my dear students, today we will learn chapter number 14, The Country Faith. It is a chapter, it is a poem from class 7. And the poet of the chapter is Norman Gale. So let's start. Here is the country's heart, where the grass is green. Life is same sweet life as it ever hath been. So पोएट जो है इस स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं बेटा, वो ये बोल रहे हैं कि कंट्रीज़ हार्ट, कंट्रीज़ हार्ट मीन्स कंट्री से यहाँ पर हमारा मीनिंग है ग्रामीण क्षेत्र। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनका हृदय स्थल जो है वो कहाँ पर है, वो वहाँ पर है जहाँ पर जो घास है वो हरी है और जो जीवन है वो वैसा ही मधुर है, उतना ही सुहावना है जैसा कि हमेशा से रहता आया है। Trust in God still lives and the bell at morn floats with the thought of God over the rising corn. Trust in God still, still means होता है अब तक and lives मतलब जीवित है. At the bell at morn मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लोग अभी तक ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर पर लोगों का विश्वास अभी भी जीवित है और आज भी मुर्गे की बांग सुनकर लोग वहाँ पर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उसे मॉर्निंग बेल के रूप में जाना जाता है। फ्लोएड्स विद द थॉट ऑफ गॉड ओवर द राइजिंग कॉर्न, और आज भी जो ईश्वर के विचार हैं, ईश्वर की वाणियाँ हैं, वहाँ के लोग उन्हें मानते हैं और उनकी जो फसल जब बढ़ती है उसके लिए वो अपने ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। गॉड कम्स डाउन इन द रेन एंड द क्रॉप ग्रोज टॉल, दिस इज द कंट्रीज फेथ एंड द बेस्ट ऑफ ऑल। थर्ड स्टैंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ये मानना होता है कि जब बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदें नहीं होती हैं, उन बारिश की बूंदों के रूप में ईश्वर का आशीर्वाद होता है, उन बारिश की बूंदों के रूप में स्वयं ईश्वर होते हैं जो कि उन फसलों तक आते हैं, तभी जो फसलें होती हैं बहुत अच्छी और बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और यही ग्रामीण क्षेत्र का विश्वास होता है और यही विश्वास जो है उनका आज तक बना हुआ है और ये विश्वास सबसे अच्छा होता है। सो बेटा, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 14, द कंट्री फेथ, एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।